जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग हो चुकी, कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी, इसके बाद अलग अलग स्कैनिंग हो चुकी, और उस रात परसों पीएम जिस तरह से 3 बजे तक वहां पूरा पार्टी कार्यालय में पूरा मंथन हुआ है, तो उसके बाद अब इसका इंतजार किया जा रहा है कि कल उम्मीद थी फिर आज है। तो अभी जिस तरह से कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि अगले कुछ ही पलों में पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं जिसमें पीएम जरूर है, प्लस साथ में अलग अलग, चूंकि बातें कही जा रही हैं कि पहली बार शायद उसमें जो यूपी की सीटें हैं वो 18 से 20 सीटों में होगा, जिसमें से पहले हारी हुई सीटों पर जो नाम भी भेजे गए थे, जो तैयारी भी की गई थी, उन तमाम चीजों पर बहुत देर से, बहुत लंबे मंथन के बाद उनका पैनल भेजा गया था, उसमें से फिर नाम सेलेक्ट हुए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ ही पलों बाद ये खुल जाएगा, ये रहस्य कि आखिर उत्तर प्रदेश में और बाकी देश के अंदर जिन 100 से 150 सीटों की चर्चा की जा रही है, आखिर उनमें किस किस को टिकट दिया गया है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी या दूसरे तमाम लोगों पर कोई कयास नहीं है, क्योंकि उनको उन सीटों पर रहना ही है, उनको उन सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो लिहाजा उनके नाम संभावित नाम पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब लिस्ट आएगी तो उसमें नाम शामिल होंगे, और इसके साथ साथ कुछ चौंकाने वाले नाम जरूर शामिल होंगे। आप देख चुके हैं कि कुछ लोग अपने हाथ जोड़कर ये भी कह रहे हैं कि आप पार्टी हमको मुक्त करे हमारे मौजूदा दायित्व से, और हम जी दूसरे कुछ अपने कार्य हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, जिन पर लगे रहना चाहते हैं। गौतम गंभीर कह चुके हैं, इसके अलावा जयंत सिन्हा कह चुके हैं, और बहुत सारों को इशारा भी दिया जा चुका होगा। तो शुभम, ये कुछ देर के कुछ पलों की बात है जब ये एक बीजेपी के इस जो 400 पार के नारे के लिए किन लोगों पर बीजेपी ने अपना दारोमदार रखा है, किन पर दांव जी लगाया है, किन नए चेहरों को इस पूरी लड़ाई में अपना नया सारथी बनाया है, और कितने महारथी इस पूरे उसमें अभी रहे हैं, इस पूरे वापस इस रण में उतर रहे हैं जो चुनावी रण है। तो हमको कुछ पलों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ये शुभम आ जाएगी ये जो बिल्कुल लिस्ट। अधीरेन जी, अगर हम बात करें, आज शाम 7 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और बैठक बुलाई है, और उसमें जो एनडीए के सहयोगी दल है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम एसबीएसपी की बात कर लें, आरएलडी की बात कर लें, अपना दल एस की बात कर लें, या फिर निषाद पार्टी की बात कर लें, इन तमाम दलों के नेताओं को बुलाया गया है। और क्या माना जाए कि अभी कुछ और परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर सीट के लिए संजीव बालियान का नाम चल रहा है और वो वहां से जीत कर भी आए थे, क्या लगता है कि वो सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है? देखिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि मुजफ्फरनगर सीट को आरएलडी के खाते में दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार से जीते हुए संजीव बालियान, और वो उस तरह की सीट है जिस पर कभी भी चरण सिंह परिवार का या आरएलडी का कोई बहुत जी दबदबा नहीं रहा है। कभी भी कहें, चाहे वो पहले लोकदल के तौर पे, जनता दल के हिस्से के तौर पर, या फिर भारतीय क्रांति दल के तौर पर, अलग अलग समय पर उस सीट पर कभी, क्योंकि उस सीट पर खुद चौधरी चरण सिंह 1971 का चुनाव हार चुके, 50,000 से ठाकुर विजय पाल सिंह सीपीआई के जो लीडर थे उनको तब कांग्रेस का समर्थन था। इसके अलावा पिछले चुनाव में खुद अजीत सिंह 6,500 वोटों से हारे संजीव बालियान से। तो मुझे नहीं लगता कि उस सीट पर दिए जाने की कोई संभावना है आरएलडी को, क्योंकि आरएलडी को बिजनौर और बागपत, बागपत सीट जरूरी है क्योंकि परिवार के लिए, और जब बागपत सीट मिलेगी तभी जयंत चौधरी जी मैदान में उतरेंगे, नहीं तो वो राज्यसभा की उसी में रहेंगे। तो मुझे लगता है बागपत और बिजनौर, जिसकी दूसरी सीट की जिक्र किया जा रहा है, वो बिजनौर है। हालांकि उनका ये एक दबाव जरूर था जब शुरुआती ओर में, दबाव की बात इसलिए जी भी बहुत ज्यादा हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आरएलडी को जी अगर हम जी देखें तो बहुत ज्यादा चुनावी जी हैसियत में नहीं है, वो नुकसान जरूर कर सकते हैं, फायदा जी देने वाली स्थिति में नहीं है, और नुकसान भी वो सेलेक्टिव सीट पर ही कर सकते थे। जी तो बिल्कुल लिहाजा 2 सीट उनको दी गई है, जिसमें जी अली, वो उनकी इच्छा थी कि उनको मथुरा भी मिल जाए, मुजफ्फरनगर उनकी और ज्यादा इच्छा रह जी रही थी, लेकिन बिल्कुल मुझे धीरेन जी, नहीं आप बने लगता रहिए कि हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, लखनऊ से